बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेसमराइजिंग था द होल कॉन्सेप्ट सिद्धार्थ का, जो उसने जैसे उसको विजुलाइज किया था, जैसे उसे कॉन्सेप्ट किया था, बहुत ही अच्छी तरह उसने उसको यू नो ही गेव इट टू ऑल ऑफ अस। इसमें ये नया था कि गेटिंग सच अ यंग गाय, गेटिंग ऑल द टैलेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री विच इज बीन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम अंडर वन रूफ एंड प्लेइंग सो वेल वॉज लाइक आई हैव नेवर हर्ड समथिंग लाइक दिस, वेरी यंगस्टर्स कमिंग एंड डूइंग परफॉर्मिंग लाइक दिस परफॉर्मेंस। बिल्कुल, एंड सिद्धार्थ के एक अच्छे दोस्त होने के बाद अगर सिद्धार्थ कश्यप का ये पहला परफॉर्मेंस इतना धुआंधार था, मतलब उसने मिर्ची को भी पीछे छोड़ रखा होगा, एंड इट वॉज सो गुड कि इमेजिन सिद्धार्थ को लगा ही नहीं कि ये उसका पहला परफॉर्मेंस था। ऑफकोर्स मैं तो सबको बोलूंगी कि प्लीज गो अहेड एंड वॉच सिद्धार्थ कश्यप, एंड प्लीज यू नो टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट इट कि प्लीज जाएं और इसे ऐसे परफॉर्मेंस को देखें जहाँ पे यंग टैलेंट को तो मिलता ही मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है। ही हैज यू नो द विजुअलाइज द होल कॉन्सेप्ट विच आई डोंट थिंक सो पीपल अभी तक ने किसी ने विजुअलाइज कर पाए होंगे, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट की मौसीकी में, म्यूजिक में एक नया मोड़। मेरा यहाँ ख्याल है दो चीज का मिशन, वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल का जो मिश्रण और जो फ्यूजन है, पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कार्यक्रम देखा जिसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ऐसे मौसीकार, ऐसे म्यूजिशियन पहली बार जिंदगी में मिलकर एक साथ में अमेलगमेशन में जो आए हैं, लाजवाब। नंबर वन, मेरा ऐसा ख्याल है ये लोग काफ़ी हद तक बहुत आगे जाएंगे, और मेरा ऐसा ख्याल है ऐसे म्यूजिशियन जो कि बड़े बड़े मौसीकी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ प्लेबैक करते हैं, जयंती भाई है, सिद्धार्थ कश्यप है, और भी बहुत सितार वादक है हमारे, और बहुत से जो गिरीश हमारा है जो तबला वादक है, बहुत बेहतरीन, इतने अच्छे म्यूजिशियंस हैं, और इनको देखकर आजकल के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग मौसीकी में क्यों ना इंटरेस्ट है, और ये लोग काफ़ी आगे बढ़ेंगे, और इनको देखकर लोगों को एक तमन्ना होगी कि म्यूजिक की तरफ ये लोग का रुझान होगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान का म्यूजिक जिंदा है, जिंदा रहेगा और जिंदा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा म्यूजिक है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है और हमारा जो क्लासिकल और वेस्टर्न का दोनों का जो मिलन है बेहतरीन है, लाजवाब। ऐसा प्रोग्राम मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ही बेहतरीन, नंबर वन भाईदान। जी हाँ, आप मेरे फेस पे इतनी बड़ी स्माइल देख सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लगा। सिद्धार्थ इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, एंड द मोमेंट द म्यूजिक कॉन्सर्ट स्टार्टेड आई हैव टू टेल यू दैट इट वाज एट अ हाई पीक एंड इट वाज वंडरफुल। एवरी टेक्नीशियन, एवरी म्यूजिशियन वाज सो ब्रिलियंट। आई एम स्टिल अंडर दैट इफेक्ट बिकॉज जो इम्पैक्ट था वॉज वेरी पावरफुल। Their appearance, the way the entire stage was set up, the way they were playing, it was brilliant. It was really brilliant. इस तरह के प्रोग्राम आप देखती होंगी, ये कितना नया था? और बहुत डिफरेंट था। मैं I've seen, I've been to और भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में, but this was quite different. And Siddharth is a very very creative person. ये उनकी composition पे है, and we could see that how much and how talented all these people are. I don't have to say it, they have proved it themselves, but I am still stuck with the entire performance and it was really mesmerizing. बिल्कुल, और ये बिल्कुल पहला नहीं लगता है, ये ऐसा लगता है कि बहुत 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 सारे shows कर चुके हैं, so I am definitely going for each and every show where I can go and see him. Thank you. वेल, मैं पूरी तरह से स्टंड हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग शो, इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर शो। मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी दोस्त का, श्वेता खंडूरी जी, जिन्होंने मुझे इस शो के लिए इन्वाइट किया। एंड इतनी कमाल की टैलेंट एक स्टेज पे देखना, आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये शो देखने का मौका मिला। सिद्धार्थ कश्यप जी से पहली बार मिला हूँ मैं, आई थिंक इज अ फैंटास्टिक गाय एंड अ वेरी वेरी हम्बल एंड एंड वंडरफुली टैलेंटेड ह्यूमन बींग। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला आज। ये बहुत ही अलग टाइप का शो था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ फ्यूजन हमारी कंट्री में इतना देखने को मिलता नहीं है। हाँ, कोक स्टूडियो वगैरह पे हम देखते हैं, मैं फ्यूजन का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन ऐसा शो मैंने आई थिंक अपनी लाइफ में पहली बार देखा।
बिल्कुल रिपीटेडली। इनफैक्ट मैं श्वेता से कह रहा था कि यार बहुत छोटा शो था, एटलीस्ट 5-6 ट्रैक्स और इसमें होने चाहिए थे। थैंक यू सो मच। आपका शो का कॉन्सेप्ट था, मैंने सिद्धार्थ के काफ़ी टाइम पहले काम किया था। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सर्ट्स दैट आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। द काइंड ऑफ म्यूजिक दे हैव डन, इट्स परफेक्ट, इट्स समथिंग दैट वी ऑल हैव बीन स्टन्ड, एंड आई रियली विश हिम एंड हिज टीम अ लॉट ऑफ लक। 100% का शो देखना चाहेंगे, क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है। इनका एक म्यूजिक वीडियो मैंने ना शूट किया था 2 महीना पहले, और इनका काम देखा हुआ, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क, और आई होप द होल ऑफ इंडिया गेट्स टू वॉच दिस शो। सारे शोज जितने देखते हैं हम लोग, सब कॉन्सेप्ट से अलग ही था, क्योंकि देर वॉज अ फ्यूजन ऑफ इंडो वेस्टर्न म्यूजिक विच वॉज वेरी गुड, एंड आई थिंक दैट इज वॉट वी वर डूइंग। सिद्धार्थ को बचपन से संगीत का शौक था, और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से देश के सब ख्यातिनाम कलाकारों के साथ में उसने जो म्यूज़िक को एक नया आयाम दिया है, संगीत को, संगीत के साज को, साज के साथ में उनके कलाकारों को जिस तरीके से एक नया आयाम दे करके 1.5 घंटे के अंदर जो ये आज की शाम बांधी है, निश्चित यह प्रयोग अपने आप में सफल होगा। एक नया प्रयोग है, इसे संगीत की दुनिया में एक नए तरीके से लिया जाएगा, और ख़ास करके मेरे लिए तो सिद्धार्थ मेरा लड़का है और उसने नया प्रयोग करा, तो मैं इस बात के लिए बड़ा अपने आप को प्राउड या गौरवान्वित फील करता हूँ। सर, क्या आपकी तरफ से क्या विश करना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या विश करना चाहेंगे या कुछ उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे कि हाँ आगे जाके? मैं चाहूँगा कि क्रिएटिविटी एक संवेदना को जन्म देती है, मन के अंदर भाव जगाती है, और यह क्रिएटिविटी अगर हम परिवार में आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे एक परिवार के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि रहेगी। और एक जो हम हमेशा हिंदू संस्कृति में एक संवेदनशील परिवार के बारे में बात करते हैं, तो यह इसका अच्छा उदाहरण बने। सर, आज लाइव कॉन्सर्ट था आपका और आपने म्यूजिक ऑर्गेनाइज किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के शो के लिए और किस तरीके का? देखो, आज का जो शो था वो बहुत ही अलग शो था, और हम तो हमको कुछ नहीं कहना चाहिए, म्यूजिशियन को जो कहना चाहिए वो ऑडियंस को कहना चाहिए कि कैसा लगा। तो देखिए, मेरा काम है म्यूज़िक अरेंज करना। म्यूज़िक अरेंजर का ये होता है कि एक कंपोजिशन सिद्धार्थ जी ने बना के दिया, तो उसको म्यूज़िक अरेंज कैसे करना, उसको डिवाइड कैसे करना, उसको पूरा सब म्यूजिशियनों से बजवाना। तो देखिए, मतलब एक होता है ना कि मेकअप करते हैं किसी भी लड़का या लड़की को, तो अगर खूबसूरत लड़की है तो उसको कम मेकअप की ज़रूरत पड़ती है ना। तो वैसा ही काम था, इतने कंपोजिशन इतने खूबसूरत है कि इसको थोड़ा सा कहीं कहीं ट्विक किया, थोड़ा सा उसको डिवीजन किया, और इतना अच्छा साउंड करने लगा। तो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंटल शो है कि मतलब हम लोग अभी इसको बाहर भी ले, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल शोज़ होते रहते हैं, क्लासिकल, फ्यूजन, वेस्टर्न, बट हमने सोचा कि ये इंडियन ऑडियंस मतलब ऐसा है जिसको क्लासिकल भी मिले, थोड़ा वेस्टर्न भी मिले, थोड़ा वर्ल्ड म्यूज़िक जिसमें रबाब, गूद, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले, तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाए। तो सिद्धार्थ जी ने ऐसा एक सोचा और हम लोग सब रेडी हो गए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, और हम इतना मज़ा आया कि हम अभी बस नेक्स्ट शो, ऑडियंस पूछ रही है कि नेक्स्ट शो कब होगा। हमको भी वेट। एक्सपीरियंस कैसा था सिद्धार्थ के साथ? एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, उसकी वजह यह है कि म्यूज़िक लवर है सिद्धार्थ जी, जो है म्यूज़िक लवर है, म्यूजिशियन लवर है, म्यूजिशियन को प्यार करते हैं, म्यूज़िक को प्यार करते हैं, उनको अच्छा म्यूज़िक वो खुद एंजॉय करते हैं। वो आज ये इसमें से वो ही इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ अ बिग बिजनेस मैन। उन्होंने आज पैसा कमाने के लिए ये शो नहीं किया, उन्होंने म्यूज़िक अपना म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए शो किया, और उन्होंने खुद उतना एंजॉय किया, उतना ही ऑडियंस ने एंजॉय किया। सब ऑडियंस पूछ रहे हैं कि दूसरी बार आप कब कर रहे हैं, तो बस अभी देखते हैं जल्दी से जल्दी दूसरा शो हो, तीसरा शो हो, और यहाँ पे भी हो और अब्रॉड भी शो हो। तो वी आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस एंड पीपल हैव लव्ड इट, दैट्स आवर अचीवमेंट। थैंक यू। सर, आज कॉन्सर्ट था सिद्धार्थ जी के साथ में जी, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, बताइए। नमस्कार, सिद्धार्थ भाई और मैं, हम लोग
नमस्कार सिद्धार्थ भाई, सॉरी वापस आ, नमस्कार सिद्धार्थ भाई के साथ हम 15 साल से काम कर रहे हैं और म्यूजिकली रिकॉर्डिंग्स में, वीडियो और कॉन्सर्ट्स में उनका हमेशा कॉम्पोजिशन बहुत यूनिक रहा है और उनके साथ काफ़ी मज़ा आता है काम करने के लिए, मिक्सिंग द डिफरेंट जॉनर। आज जो फ्यूजन का प्रोग्राम था उसमें काफ़ी एक वर्ल्ड क्लास कॉन्सर्ट हुआ है। आज काफ़ी मैंने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बजाया है अलग अलग लोगों के साथ, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल्स में, वुमेन फेस्टिवल्स में, वैसे ही ये आज कॉन्सर्ट रहा है। इसी कॉन्सर्ट को मुझे लगता है सब पूरे वर्ल्ड में जाना है। ऑडियंस की बात करें, ऑडियंस आई है, इस चीज़ को पूरा देखा है और काफ़ी तारीफ भी कर रही है, काफ़ी उनको अच्छा भी लगा, बहुत बड़ी। तो उनके लिए और आगे कितना अच्छा और करना चाहूँगा? सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि म्यूजिशंस, आज ज़्यादातर म्यूजिशंस थे जो अलग अलग पियानिस्ट और पर्कशनिस्ट, फ्लोटिस्ट, ऐसे सब लोग आज ऑडियंस में थे। आधा ऑडियंस तो पूरा म्यूजिशियंस थे। ऐसे बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है कि ऑडियंस म्यूजिशियंस मिलना, और बहुत अच्छा सबका रिस्पांस रहा है। सर आपका बताइए, आपने भी आपका परफॉर्मेंस रहा है जी, बहुत अच्छा लगा, तो आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में, इनके साथ आप काम कर रहे हो तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है रहा और या चलता है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस परफेक्ट अमालगमेशन से, क्योंकि इसमें गुणी कलाकार हैं सारे मुझे छोड़कर, पंडित जी को देख लो, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और अतुल जी और जयंतीलाल अंकल जी जो कि बहुत ही इल्मी लोग हैं और बहुत गुणी लोग हैं, मतलब तो बहुत बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस और बहुत चीज़ें मैंने सीखी और अच्छा लगा मुझे इन लोगों के साथ काम करके। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने उस्ताद के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सिद्धार्थ जी का, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया और अतुल जी ने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट रखा, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सराहाया और दुआएँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप सब एक साथ हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में और अपने वर्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का म्यूजिक मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, लोगों ने देखा लाइव कॉन्सर्ट उसके बारे में? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वी रियली एंजॉयड प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद सिद्धार्थ कश्यप, एंड सिद्धार्थ सर का पहला लाइव परफॉर्मेंस है, एंड सो वंडरफुल टू प्ले अलॉन्ग विद स्टालवर्ट्स and newcomers also, and great vibe on stage, so lovely to be with a lot of good musicians from different parts of India, different cultures, different backgrounds, and I really am fortunate to be a part of this perfect amalgamation. I congratulate Mr. Siddharth Kashyap and the full team, and we would like to perform for you more and more. Thank you all. The experience was amazing and it was like mind-blowing, because this kind of concept that we have brought up and that we got already in the first concert, that we got so much love from people and they appreciated it so much, and they enjoyed, they gave us standing ovations in the end, and this really means so much to us, because you know, it's not easy to come from different backgrounds, like we musicians come from very many, many different backgrounds like you saw, and it was fun for us, and it was an experience one of a kind for everyone, and it was worth it, and the hard work we have done, the recordings, the you know, practices, rehearsals, it was all worth it just for today that we got such a good feedback from the public. With Siddharth ji, it's amazing to be on stage, because you know, he has composed it, all the tracks, and he knows it all by heart,
and he's always looking at the musicians, and now you, and now you, and he's giving us all equal importance, and you know, he loves us very much, that we can see, and really it's such an honor to have worked with him, and we are looking forward to take this to different cities with him together, and I'm very happy to be a part of the team, and it's just amazing, and it's like I said, it's one of a kind to be associated with him and to perform with him. Thank you. Thank you. Sir, live as live concert performance का आपका first show किस तरीके का मतलब आपका experience था जो musician लोग के साथ में सकते हैं बताइए. बहुत overwhelming response था. मैंने सोचा नहीं था कि इतने नए concept को और इंस्ट्रूमेंटल फ्यूजन को लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे और इतना ध्यान से सुनेंगे, और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना, समझा और एंजॉय किया, एंड इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग, एंड इट इज़ सो मोटिवेटिंग कि हम अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करेंगे एंड विल टेक इट दिस शो मोर फर्दर टू अनदर सिटीज. देखा आजकल देखा जा रहा है बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं, सिंगर्स को लेके ये सब बड़े बड़े अलग अलग जगह होते हैं, लोग आते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट का एक अलग ही चीज़ है, तो इसको देखते हुए मतलब आपके मतलब एजन क्या एक्टिविटी है कि हम इसको आगे तक कहाँ तक लेकर जाए, फिर लोगों के वापस जो इस तरीके का देखना चाहते हैं कि लोग ऑडियंस देखते हैं जिस क्या है कि म्यूज़िक जो है गाने होते हैं, ऑफकोर्स भारत में हमको गाने सुनने की आदत है और वो भी सभी लैंग्वेजेस में गाने सुनने की आदत है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होता है दिस इज़ अ ग्लोबल काइंड ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि इसमें कोई गाना नहीं, कोई शब्द नहीं, तो इट इज़ वेरी अपीलिंग किसी भी कल्चर में, किसी भी जगह में, इफ़ यू हैव टू कनेक्ट टू वाइडर ऑडियंसेस दिस इज़ द करेक्ट रूट, और जहाँ पर हम हमारे कल्चर को, हमारी रूटीन को, हमारी अपब्रिंगिंग को हम आगे लेकर के जा सकते हैं. सर ऑडियंस की बात करें कि ऑडियंस अभी काफ़ी लागू है, तो हर कोई तारीफ कर रहा है, सबको ही अच्छा लगा है, ऑडियंस के लिए आगे और कितना अच्छा मतलब करना चाहेंगे कि हाँ जो मैं ये ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उतने मैच्योरिटी से इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और इन्जॉय किया और समझा उतनी गुणवत्ता से जितनी हमने कोशिश की थी, और वही हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि अब इस एक्सपेक्टेशन को बनाए रखना और अगले जो कॉन्सर्ट्स हैं उनमें कोई ना कोई पार्ट्स और नए इतने इंटरेस्टिंग करके हम लोग मतलब ऑडियंस जल्दी आपको कोई दूसरा कॉन्सर्ट मतलब देख पाए. हाँ, हम लोग हमने वैसे भी जब शुरुआत की थी तो हमने ये सोचा था कि इसके हम 3-4 सिटीज़ में करेंगे, ये हमारा पहला लॉन्च कॉन्सर्ट था, इसके बाद में हम इसे इंदौर, जयपुर, पुणे और दिल्ली ले जाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं. जहाँ पर सर इंडिया के अलावा अगर कुछ थिंकिंग बन गया, हमें अब्रॉड भी जाना है. अब्रॉड में कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं जहाँ ये अब हमारा पहला कॉन्सर्ट हुआ, इसके हम शोरील बना करके उन फेस्टिवल्स को प्रेजेंट करेंगे, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अब्रॉड में भी लोग इसे पसंद करेंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट को, हमारे रागों को सुनने की आदत पंडित रविशंकर जी ने बहुत सालों से उन लोगों को मेस्मराइज किया इंडियन म्यूजिक से, मुझे लगता है उस लीगेसी को हम और नया रूप और नया अंदाज दे करके आगे ले जाते हैं. आपके ग्रुप में काफ़ी लोग थे, पूरा स्टेज पे अलग ही माहौल था, तो उन लोग के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरे जितने म्यूजिशियंस हैं सभी टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं, बहुत हैंडपिक्ड म्यूजिशियन हैं, मुझे बहुत समय लगा आइडेंटिफाई करके कि कौन से पार्ट के लिए मैं किसे कास्ट करूँ, कौन से प्लेयर को रखूँ, एंड थैंकफुली हमारी उन सब लोगों की आपस में ट्यूनिंग अच्छी हुई, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, और जिसके कारण इट वाज लाइक दे ऑल वर प्लेइंग नॉट बाय टेक्निक, दे वर प्लेइंग बाय हार्ट, वो फीलिंग बाहर आती है. थैंक यू सर.